हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम हमारी प्लांट गैलरी में लैंडस्केपिंग पर्पज में ग्रो किया जाने वाला और साथ में लंबे समय तक हमारे इंडोर प्लांट गैलरी में जंगलनुमा माहौल क्रिएट करने वाली एक पाम की सुंदर प्रजाति के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारी प्लांट गैलरी में थोड़े से इंडोर वातावरण में पॉपुलरली ग्रो की जाने वाली यह एक सुंदर पाम की वैरायटी है, जिसे कॉमनली सभी जगह टेबल पाम के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में इस पाम को हमारे घर के इंडोर वातावरण में ऑफिस टेबल पे या फिर स्टडी टेबल पे छोटे पॉट्स में डेकोरेटिव पर्पज में ग्रो किया जाता है। साथ में इनकी पत्तियों की बनावट हाथों से हवा लिए जाने वाले पंखे की तरह होने के कारण इसे कॉमनली फैन पाम भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम लिविस्टोना रोटोंडीफोलिया है और अरेसी या फिर कोकोनट फैमिली में इनकी लगभग 181 जनरा और 2600 प्रजातियां दुनिया भर के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पाम के पौधे को चाइनीज फैन पाम, फाउंटेन पाम, टेबल पाम, अम्ब्रेला पाम, फुट स्टूल पाम, राउंड लिप फैन पाम, सेरडोंग ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। मूल रूप से यह पौधे साउथ ईस्ट एशिया के मूल निवासी है, जिसमें प्रमुख तौर पर चाइना और उसके आइलैंड्स और दक्षिण जापान का भौगोलिक प्रदेश समाविष्ट होता है। दोस्तों, मोस्टली हमारी इंडोर प्लांट गैलरी में कुछ सालों तक पॉपुलरली इस टेबल पाम को डेकोरेटिव पर्पज में ग्रो करने का प्रमुख कारण इसका सुंदर पर्ण समूह या फिर फॉलिएज पैटर्न है, जो कि सिंबॉलिकली सन जैसी भी दिखती है। इन पौधों की उगने की बढ़ने की सारी प्रोसेस सेम कोकोनट ट्री जैसी होती है। नारियल की नई विकसित की गई ड्वार्फ वैरायटीज में जैसे ग्रीन ड्वार्फ और ऑरेंज ड्वार्फ ऐसी दो वैरायटीज आती है, वैसे ही इनमें भी ग्रीन और थोड़े से येलो शेड में दो वैरायटीज आती है। इनकी चमकीली हरी पत्तियां प्राइमरी स्टेज में 8 से 10 इंच से लेकर प्लांट की हाइट और ग्रोथ अनुसार एक परिपक्व आकार में एवरेजली 3 से 4 फीट जैसे बड़े डायमीटर में विकसित होती है। प्राइमरी स्टेज में आधे से 1 फीट होने वाला इनका डंटल एक विकसित अवस्था में इस तरह 6 से 7 फीट लंबा हो जाता है। खुद के नेचुरल प्रोटेक्शन के तहत इस पौधे ने अपने हर पत्ती के स्टेम पर इस तरह नुकीले और हुक जैसे कांटों को विकसित किया है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में किसी भी जानवर द्वारा इन कांटों की चुभन से वजह से इन पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इनकी सुंदर चमकदार पंखे जैसी पत्तियां पौधों पर लगभग 6 से 7 महीने तक बनी रहती है। जैसे जैसे पौधा ऊपर की तरफ नई पत्तियों द्वारा अपनी ग्रोथ करता है, तब सबसे नीचे की पत्तियां परिपक्व आकार में सूखने लगती है और स्टोर किया हुआ सारा न्यूट्रिशन पौधे में ट्रांसफर करने के बाद रिमूव होने के प्रोसेस में आ जाती है। जैसे कि नारियल के नीचे के पत्ते सूखने के बाद जमीन पर गिरने लगते हैं, इन पौधों की ग्रोथ स्लो होती है। एक बार सेट होने पर यह फैन पाम न्यूट्रिशन अनुसार साल में लगभग 1 फीट तक बढ़ते हैं और आउटडोर वातावरण में न्यूट्रिशन अनुसार अपनी अंतिम ऊंचाई में लगभग 10 से 15 मीटर तक हाइट में बढ़ते हैं, क्योंकि इनकी पाम की स्पेसीज में हाइट में 200 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ने वाले पौधे भी आते हैं। लेकिन हमारे घर के अंदर इंडोर प्लांट गैलरी में एवरेजली 6 से 7 फीट तक यह टेबल पाम या फिर फैन पाम बढ़ते पाए जाते हैं। हमारी इंडोर प्लांट गैलरी में पहले 8 से 10 वर्ष इनकी ग्रोथ काफ़ी कम होती है। मैंने शूट किया हुआ आउटडोर गार्डन का यह फैन पाम का पौधा 10 से 12 फीट तक ऊंचाई में अपना विकास कर चुका है। आउटडोर गार्डन में इसकी विशाल पत्तियाँ और इसका फैलाव आप देख रहे हो। जैसे जैसे यह टेबल पाम का पौधा उम्र में बढ़ने लगता है, वैसे नारियल के पेड़ की तरह इसका ट्रंक बनता है और प्लांट से रिमूव की हुई पत्तियों के निशान ट्रंक पे दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस टेबल या फैन पाम की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो शुरुआती चरण में इन पौधों को थोड़ी सी पार्शियल सनलाइट वाली जगह हमें ग्रो करना है, लेकिन हमेशा के लिए इन पौधों को हम इंडोर प्लांट गैलरी में ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि मूल रूप से 15 मीटर तक या फिर उससे भी आगे ऊंचाई में बढ़ने वाले यह ताड़ के पेड़ है। इसलिए हमेशा के लिए फिल्टर्ड या पार्शियल सनलाइट वाली स्थिति में बढ़ने वाले यह जंगल के अंडरस्टोरी जोन के पौधे नहीं है। शुरुआती समय में जब पौधे छोटे होते हैं, तब लगभग 8 से 10 सालों तक भी हम इंडोर प्लांट गैलरी में इन्हें ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह पौधे मैच्योर होते जाएंगे, इन्हें हमें आउटडोर गार्डन में ही ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन हमारे घर के इंडोर प्लांट गैलरी में जगह और स्पेस की उपलब्धता अनुसार कई वर्षों तक, मतलब 8 से 10 साल तक भी इस टेबल पाम के पौधे को ग्रो करने का आनंद हम ले सकते हैं। और नेचुरली इनके शुरुआती समय में इन पौधों को फिल्टर्ड सनलाइट की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे जंगल के अंडरस्टोरी में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में ही उगते हैं
पर जैसे जैसे यह पौधे परिपक्व होने लगते हैं तब जंगल के अंडरस्टोरी लेयर से ऊपर उठकर जंगल के सबसे बड़े पेड़ों की श्रेणी में पूर्ण सूरज के नीचे अपनी 50 से 60 पत्तियों का मुकुट बनाता है। और इसीलिए इनकी प्राकृतिक ग्रोथ के स्टेप्स अनुसार इन्हें हमें शुरुआती समय में थोड़े से पार्शियल सनलाइट वाली स्थिति में ग्रो करना है। इसलिए इन पौधों की अच्छी ग्रोथ और थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति के लिए पृथ्वी के ट्रॉपिकल जोन में ज़्यादातर सभी डायरेक्शन में घर के इंडोर वातावरण में इस पौधे को ब्राइट लाइट में हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सब ट्रॉपिकल जोन में इन पौधों के लिए लगभग साल भर के सनी लोकेशन के लिए साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए। शुरुआती चरण में इन पौधों को बहुत हॉट सनलाइट के नीचे हमें ग्रो नहीं करना है, क्योंकि इन पौधों की प्राइमरी ग्रोथ में इनकी पत्तियों को सूरज की तेज किरणें झुलसा कर रख देती है या फिर बर्न कर सकती है। दोस्तों, इन पौधों की वाटरिंग नीड मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है। शुरुआती समय में पौधे के प्राइमरी ग्रोथ के समय रिक्वायरमेंट अनुसार इन पौधों की पानी की ज़रूरत थोड़ी सी मीडियम कैटेगरी में रहती है, लेकिन जब एक बार पूरी तरह से पौधा सेट हो जाता है तब पानी की ज़रूरत के प्रति काफ़ी सहनशील हो जाता है। नेचुरली इन ताड़ के पेड़ों की जड़ें जमीन की सतह के पास एवरेजली ग्राउंड सरफेस से लेकर जमीन में 3 फीट तक की गहराई तक अपना विकास करती है, लेकिन कॉमनली हमें लगता है कि यह पाम ट्रीज या फिर ताड़ के पेड़ इतनी ऊंचाई तक बढ़ते हैं तो इनकी जड़ें भी जमीन के नीचे गहराई तक जाती होंगी, लेकिन दूसरे बड़े पेड़ों की तुलना में इनके बारे में ऐसा नहीं होता। वास्तव में यह कुदरत के हर निर्माण के पीछे अजीबोगरीब संरचना होती है। 40 फीट से लेकर 200 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ने वाले यह पाम ट्रीज या फिर नारियल के पेड़ वास्तव में तेज हवाओं का आंधी तूफानों का सामना करने के बावजूद भी नहीं गिरते। जहां दूसरे बड़े पेड़ों की तुलना में इनकी जड़ें जमीन के अंदर गहराई में ना फैलकर महज 3 फीट तक ही अपना विस्तार करती है, इसलिए हमारे घर के इंडोर प्लांट गैलरी में इन्हें बड़े कंटेनरों में ग्रो करते समय इनकी मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, यह बात हमें ध्यान में रखनी है। दोस्तों, इन पाम के पौधों की दूसरे आम पौधों की तरह ऊपरी हिस्से की कटिंग हमें नहीं करनी है, बस प्लांट के नीचे की सूखी हुई पत्तियों को या फिर साइड की किसी भी खराब पत्ती को हम प्लांट से कट करके रिमूव कर सकते हैं। घर के इंडोर वातावरण में कभी कभी पत्तियों के पीछे की तरफ स्पाइडर माइट्स या फिर मिले बग्स जैसी कीट दिखाई देती है। उनको कंट्रोल में लाने के लिए शुरुआती चरण में हम नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइजर के बारे में देखा जाए तो यह ताड़ के पेड़ काफ़ी हार्डी होते हैं, जो आउटडोर गार्डन में जमीन में स्थित अवेलेबल न्यूट्रिशन पर ही अपना काफ़ी अच्छा विकास करते हैं, लेकिन हम हमारे प्लांट गैलरी में लगाए गए कंटेनर या पॉट्स के पौधों को पॉटिंग मिक्स ऑयल बनाते समय एक भाग कोई भी ऑर्गेनिक खाद उसमें मिलाकर बीच बीच में मतलब एवरेजली 1 मंथ के अंतराल में NPK बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइजर इनकी जड़ों के पास दे सकते हैं। बस हमारी इंडोर प्लांट गैलरी में जब हम इन्हें सनी लोकेशन वाली खिड़कियों के पास वगैरह लगाते हैं तब बार बार खिड़कियों से आने वाली फिल्टर्ड सनरेज की तरफ इनके पॉट्स को हमें घुमाना है, जिससे इस पौधे को सभी डायरेक्शन से रोशनी मिलने के कारण इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। दोस्तों, इस टेबल पाम का प्रोपेगेशन इनके सीड्स द्वारा हम कर सकते हैं। दूसरे पाम के पौधों की तरह इस फैन पाम पर भी एक मैच्योर पौधे पर स्प्रिंग सीजन में फल लगते हैं। पकने के बाद वह सीड्स में डाइवर्ट होते हैं, इसलिए इनके किसी भी मदर प्लांट्स से इनके सीड्स कलेक्ट करके हम इनके नए बेबी प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन इनको बीजों से उगाने की प्रोसेस काफ़ी लंबी और लेट होती है। इसलिए यह बेटर होता है कि नर्सरी से एक अच्छा हेल्दी पौधा लाकर उसे हम हमारी प्लांट गैलरी में ग्रो करें। साथ में एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि इनकी पत्तियां हवा को शुद्ध करने में मदद करती है, और चाइना में इनकी पत्तियों को रेन हैट बनाने में उपयोग में लाया जाता है, और साथ में आकर्षक पंखे भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस फैन पाम के पौधे को हम हमारे घर के इंडोर वातावरण में लगाकर कई सालों तक एक छोटे पेड़नुमा जंगल की हरियाली का फील महसूस कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।